अगला जो साडा टॉपिक है जिसके बारे असं गल कर जा रहे हैं दैट इज मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो असं की समझते हाँ यदा की मतलब है तो यू देखते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग इट्स पासेस थ्रू इवेपोरेटर कि जदों रेफ्रिजरेटर दे विच रेफ्रिजरेटिंग मशीन दे विच एक जो कंपोनेंट है जिन्हों असी इवेपोरेटर कह दें फिलहाल की घड़ी असी समझ लिए कि फ्रिज का वह वाला खाना जिथे साड़ी बर्फ जमती है तो उस विचों जदों रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग मीडियम है वह पास करता है तो वह अपने नाल उस पर्टिकुलर जगह तो किन्नी हीट नू अबजॉर्ब करके अपने नाल लेके गया दूसरी जगह के उत्ते तां वो जिन्नी हीट उत्थों अबसॉर्ब करके लेके जाऊगा उसनों असी कह दिंदे आ दैट इज़ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट उन्हें किन्नी ठंडक उस जगह पर पैदा की। या इसनों असी दूसरे तरीके दे नाल कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ हीट अबजॉर्प्शन फ्रॉम द सबस्टांस और अ स्पेस टू बी कूल्ड जिस जगह नूं असी ठंडा करना है उस जगह तो उसने किन्ने टाइम दे विच किन्नी हीट नूं अबजॉर्ब किया ता इस नूं असीं डिफाइन करके कह सकते हाँ कि इस नूं असीं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कह सकते हाँ। नैक्सट असीं गल करन जा रहे हाँ जी दैट इज यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन जिमें कि असीं देखते हाँ कि कोई भी चीज़ है उसकी गिनती मिनती जरूरी है जिमें कि असीं घर दे विच एसी लगाना होवे या असीं फ्रिज मार्केट दे विचों लैके आउणी होवे नवीं ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 1 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 2 ਟਨ ਦਾ ਏਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है जो ठंडक पैदा हो रही है चाहे वह एसी दे विच है चाहे वह रेफ्रिजरेटर दे विच है तो उन्हों असी टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन दे नाल रिप्रजेंट करते हैं तो इसनों असी डिनोट करते हाँ दैट इज टी आर दे नाल। हुण असी देखते हाँ कि अगर मैं टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन नूं या टी आर नूं एक्सप्लेन करना होवे भी इसकी किन्नी मात्रा हुंदी है या इसनों असी टी आर किसनों आखते हाँ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅ ਟਨ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ 1 ਟਨ ਆਫ ਆਈਸ ਟੂ ਗੈਟ 1 ਟਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਕਿ ਅਗਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ 1000 किलो दी जिन्हों असी 1 टन मानते हाँ 1000 किलो दी बर्फ नू पिघला के कंप्लीटली 1000 किलो दा पानी प्राप्त कर लवां तां उहदे विचों जिन्नी ठंडक पैदा होएगी तां उस नू असी एक्सप्लेन करते हैं दैट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।